सेवती चरण कमल मन लाई। ये विचार करके माता सीता जी जो है ना, वो भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल के सेवल कर रहे थे भैया। ऐसे गोस्वामी जी जो हवे ये जगह में अवगत कराए हैं। काबर 14 बरस के बनवास ले राम आगे, अयोध्या के घरों घर में ऊंचा मंगल छागे। अयोध्यावासी राम दर्श पर जावे और भागला अपन सहरावे। अयोध्या की घरों घर में ऊंचा मंगल छागे, अयोध्यावासी राम दर्श पर जावे, भागला अपन सहरावे। राम दर्श पर जावे, भागला अपन सहरावे। अयोध्या की घरों घर माँ ऊंचा मंगल छागे, अयोध्यावासी राम दर्श पर जावे, भाग लाय अपन संग रावण। राम दर्श पर जावे, भाग लाय अपन संग रावण। सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर जा करही, रामचंद्र आए तू अनुसरी। तीनों माता मन राम लक्ष्मण के, मुहे मुहला प्रेम की आंसू छलकत रहे, मंगल आरती उतारे। प्रेम की आंसू छलकत रहे, मंगल आरती उतारे। 14 बरस के बनवास ले राम आगे, अयोध्या के घरों घर में ऊंचा मंगल छागे, अयोध्या वासी राम दर्श पर जावे, भाग लाय अपन संग रावण। राम दर्श पर जावे, भाग लाय अपन संग रावण। राम दर्श पर जावे, भाग लाय अपन संग रावण। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जदपि गृह सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर जा कर ही, रामचंद्र आयसु अनुसरी। गोस्वामी जी अवगत कराते भैया कि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं भगवान के, और वो सब सेवक जो नवय सब विधि से कुशल है बताते, और निज कर गृह परिचर जा कर ही। गोस्वामी जी बताते स्वामी जी के सेवा के महत्व जानने वाली श्री सीता जी जो नवे घर की सब सेवा अपन हाथ से करत है, अपन हाथ से सब सेवल करत है। माता सीता जी जो नवे रामचंद्र आयसु अनुसरी। गोस्वामी जी बताते भैया के भगवान श्री रामचंद्र जी के आज्ञा के अनुसरण करत है, तो दाई हुआ पति के वचन के अनुसरण करो, सास ससुर के वचन के अनुसरण करो। बोल राजा रामचंद्र की जय।